धनतेरस को त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस में सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने से 13 गुना अधिक फल मिलता है। घर में सुख और समृद्धि का भंडार भरा रहता है। पर कुछ कारणों से हम अगर सोना या चांदी ना ले पाएँ, ना खरीद पाएँ, तो हमें इन चीज़ों को अवश्य ही खरीदना चाहिए। आइए जानते हैं 2023 में धनतेरस कब है, धनतेरस का पूजा मुहूर्त क्या होगा और अगर सोना ना खरीद सके तो क्या खरीदना शुभ माना जाएगा। इस साल 2023 में धनतेरस 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:47 से शाम 7:43 तक। आइए जानते हैं कि अगर हम सोना ना खरीद पाएँ तो हमें और क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा रहे। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप सोने चांदी के बर्तन नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप पीतल या तांबा के बर्तन खरीदें, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ ही धनिया खरीदना चाहिए, साथ ही झाड़ू खरीदना चाहिए। झाड़ू खरीदते समय लोग अक्सर यह गलती करते हैं, आजकल मार्केट में प्लास्टिक की झाड़ू अवेलेबल हो गई है, इसलिए लोग सुविधा के अनुसार प्लास्टिक की झाड़ू खरीद लेते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू खरीदते समय हमेशा बांस की ही झाड़ू खरीदनी चाहिए। इसके साथ गोमती चक्र, शंख, कमलगट्टा और नमक भी खरीदना चाहिए। नमक खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है और उसी नमक के पानी से घर में पोछा भी लगाना चाहिए। अब नमक खरीदते समय भी लोग बहुत ही गलती करते हैं, नॉर्मल यानी साधारण नमक खरीदते हैं। हमें हमेशा लक्ष्मी पूजा के दिन यानी दिवाली और धनतेरस के दिन सेंधा नमक ही खरीदना चाहिए। इसके साथ श्रीयंत्र, कौड़ी, मिट्टी का दिया, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, नया वस्त्र भी खरीदना चाहिए। बच्चों के लिए खिलौने खरीदना चाहिए जिससे घर में हमेशा बच्चे खुश रहें। खील और बताशे भी खरीदने चाहिए जिससे घर में सालों भर मिठास भरी रहे। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।